हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थिरल फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविन फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रॉबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अर्थवेस्टिक की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डॉनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनेसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविन फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा, राशि एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर, ओनिंग डुबल मेशी ब्रेनी, जैक प्रकाश सैली चैनी, जैक ग्रेनी, मार्ग रिफॉल, रॉबर्ट डोनी जूनियर, एंथनी एडवर्डर्सी ब्राउन, कॉन्सनी इलियास कोटिनियाश डोनी लोगो, जॉनी केरल लिच डैमर्ग मूल रानी, क्लो सेवनिंग छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित, एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि, प्रोड्यूसर कंपनी फेनीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित, पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका, बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल, रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैनी फ्रांसिको खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने, सैन्य कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे क्षुब्ध सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेली जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्मस्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिटल थॉमस वाइपर
फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एको प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और इन धूम में सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था, और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक इष्टिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी अवार्ड शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के पेलिजो में एक प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि 1 महीने बाद सैनी प्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एक पत्र प्राप्त होते हैं, जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशने लोगों को मानने की धमकी देते हैं, जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो, जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है, और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थीरल फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविंग फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रॉबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अद्वेष्टिक की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डोनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनेसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविंग फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा, राशि एनमोर्ड द्वारा, उत्पादक माइकल मेडिवर, ओनिंग डुबल मेशी, ब्रेनी जैक प्रकाश, सैली चैनी, जैक ग्रेनी, मार्ग रिफॉल, रॉबर्ट डोनी जूनियर, एंथनी एडवर्ड डर्सी ब्राउन, कॉन्सनी इलियास, कोटिनियाश, डोनी लोगो, जॉनी केरल लिच,
डेमर्ग मूल रानी क्लो सेवनिंग छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि प्रोड्यूसर कंपनी फर्नीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 197 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया पुलिस को पत्र खूनने सैन कपड़े और अखबारों को भेजने गई सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खुब्द सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेडी जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्म मास्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया जिसमें थीमी गति की हत्या के दृश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे जो एक को प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और इन धूम में सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक दृष्टिगत के लिए राष्ट्रीय के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी एवडर शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के बेलिजो में एक प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचता है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एलिक पत्र प्राप्त होते हैं जो खुद को राशि चक्र कहते हैं जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड डैश संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से ही लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब तक अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थिरल फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविन फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रोबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अद्वेष्टि की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डोनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनीसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविन फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा, राशि एनमोर्ड द्वारा, उत्पादक माइकल मेडिवर, ओनिंग डुबल मेशी, ब्रेनी जैक प्रकाश, सैली चैनी, जैक ग्रेनी, मार्ग रिफॉल, रॉबर्ट डोनी जूनियर, एंथनी एडवर्ड डर्सी ब्राउन, कॉन्सनी इलियास, कोटिनियाश डोनी लोगो, जॉनी केरल, लिच डेमर्ग, मूल रानी क्लो सेवनिंग, छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित, एक्शन बाल, संगीत दिया है डेविक राशि, प्रोड्यूसर कंपनी फेनिचर पिक्चर्स द्वारा वितरित, पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका, बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल। रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4.85 करोड़। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैनी फ्रांसिको खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने, सैन्य कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे क्षुब्ध सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेली जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्म मास्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी गति की हत्या के जश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एको प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें धीमी गति की हत्या के दशय के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और इन धूम सुखा दियो
2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था और इनके लिखने, निर्देशन, अभिनय और ऐतिहासिक दृष्टिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी एवडर शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के पेलिजो में एक प्राइमल लैन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एक पत्र प्राप्त होते हैं जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थीरल फिल्म है जिसका निर्देशन डेविंग फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रॉबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अनवेस्टिक की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डॉनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनेसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविंग फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा, राशि एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर, ओनिंग डुबल मेशी ब्रेनी, जैक प्रकाश सैली चैनी, जैक ग्रेनी, मार्ग रिफॉल, रॉबर्ट डोनी जूनियर, एंथनी एडवर्ड डर्सी ब्राउन, कॉन्सनी इलियास कोटिनियाश डोनी लोगो, जॉनी केरल लिच डैमर्ग मूल रानी, क्लो सेवनिंग छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित, एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि, प्रोड्यूसर कंपनी फेनिचर पिक्चर्स द्वारा वितरित, पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका, बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल, रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4 और रह गई हैं 65 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970
70 के दशक की शुरुआत में सैनी फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया। पुलिस को पत्र खूनने, सैन कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खुब्द सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेडी जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्मस्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एको प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और धूम में सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था। और इनके लिखने, निर्देशन, अभिनय और ऐतिहासिक दृष्टिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी एवडर शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के पेलिजो में एक प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एलिक पत्र प्राप्त होते हैं, जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थीरल फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविंग फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रोबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अद्वेष्टि की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में
प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डॉनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनीसी डॉनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविन फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा, रासी एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर, ओनिंग डुबल मेशी, ब्रेनी जैक प्रकाश, सैली चैनी, जैक ग्रेनी, मार्ग रिफॉल, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, एंथनी एडवर डर्सी ब्राउन, कॉन्सनी इलियास कोटिनियाश, डॉनी लोगो, जॉनी केरल लिच, डेमर्ग मूल रानी, क्लो सेवनिंग, छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित, एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि, प्रोड्यूसर कंपनी फेनिचर पिक्चर्स द्वारा वितरित, पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका, बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल, रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने, सैन कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खुब्द सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेली जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्म मास्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी गति की हत्या के जश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एक को प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंड और पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और इन धूम सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था और इनके लिखने, निर्देशन, अभिनय और ऐतिहासिक स्थितिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी अवार्ड शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के पेलिजो में एक
प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एक पत्र प्राप्त होते हैं जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से ही लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थ्रिल फिल्म है जिसका निर्देशन डेविंग फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रोबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अद्वेष्टिक की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डॉनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनीसी डॉनी लग, जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविंग फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा राशि एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर ओनिंग डुबल मेशी ब्रेनी जैक प्रकाश सैली चैनी जैक ग्रेनी मार्ग रिफॉल रॉबर्ट डोनी जूनियर एंथनी एडवर्ड डर्सी ब्राउन कॉन्सनी इलियास कोटिनियाश डोनी लोगो जॉनी केरल लिच डैमर्ग मूल रानी क्लो सेवनिंग छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि प्रोड्यूसर कंपनी फेनीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैनी फ्रांसिको खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने सैन कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खुब्द सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेली जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्म मास्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर
लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने दीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें धीमी गति की हत्या के जश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एको प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पैंड फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंड और पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और इन धूम में सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था, और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक दृष्टिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी एवडर शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1968 को कैफियर के पेलिजो में एक प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी प्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एलिक पत्र प्राप्त होते हैं, जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं, जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो, जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है, और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थीरल फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविंग फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रॉबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अद्वेष्टिक की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डोनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनेसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविंग फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा, राशि एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर, ओनिंग डुबल मेशी ब्रेनी, जैक प्रकाश सैली चैनी, जैक ग्रेनी, मार्ग रिफॉल,
रॉबर्ट डोनी जूनियर, एंथनी एडवर्डर्सी, ब्राउन कॉन्सनी, इलियास कोटिनियाश, डोनी लोगो, जॉनी केरल लिच, डेमर मूल रानी, क्लो सेवनिंग, छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित, एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि, प्रोड्यूसर कंपनी फर्नीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित, पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका, बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल, रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने, सैन कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खुब्द सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेडी जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्म मास्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी गति की हत्या के दृश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एक को प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और इन धूमे सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था, और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक स्टिगत के लिए राष्ट्रीय के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी अवॉर्ड शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के बेलिजो में एक प्राइमल लैन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी प्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एलिक पत्र प्राप्त होते हैं, जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड डैश संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रॉबर्ट ग्रेसिमो, जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से लिया जाता है और हिरासत के बारे में
प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब तक अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थिरल फिल्म है जिसका निर्देशन डेविन फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रॉबर्ट ग्रिस्थिम राशि चक्र और राशि अद्वेष्टि की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डोनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनीसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविन फिंचर, पटकथा की है जेम्स फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा, राशि एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर, ओनिंग डुबल मेशी, ब्रेनी जैक प्रकाश, सैली चैनी, जैक ग्रेनी, मार्ग रिफॉल, रॉबर्ट डोनी जूनियर, एंथनी एडवर्डर्सी ब्राउन, कॉन्सनी इलियास, कोटिनियाश डोनी लोगो, जॉनी केरल, लिच डैमर्ग, मूल रानी क्लो सेवनिंग, छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित, एक्शन बाल, संगीत दिया है डेविक राशि, प्रोड्यूसर कंपनी फेनिचर पिक्चर्स द्वारा वितरित, पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका, बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल, रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैनी फ्रांसिको खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने, सैन्य कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे क्षुब्ध सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेली जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्म मास्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी गति की हत्या के जश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एक को प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें
नियोजित किए जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पैंड फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थानी अमेरिकन और इन धूम में सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक इष्टिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी अवार्ड शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के बेलिजो में एक प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एक पत्र प्राप्त होते हैं जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशने लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थीरल फिल्म है जिसका निर्देशन डेविंग फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रोबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अद्वेष्टिक की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डोनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनेसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविंग फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा राशि एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर ओनिंग डुबल मेशी ब्रेनी जैक प्रकाश सैली चैनी जैक ग्रेनी मार्ग रिफॉल रॉबर्ट डोनी जूनियर एंथनी एडवर्ड डर्सी ब्राउन कॉन्सनी इलियास कोटिनियाश डोनी लोगो जॉनी केरल लिच डैमर्ग मूल रानी क्लो सेवनिंग छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि प्रोड्यूसर कंपनी फर्नीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007 2 मार्च
2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 197 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने सैन कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खुब्द सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेडी जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्म मास्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी गति की हत्या के दृश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एक को प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और इन धूम में सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक इष्टिगत के लिए राष्ट्रीय के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी एवडर शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के बेलिजो में एक प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचता है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एलिक पत्र प्राप्त होते हैं, जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड डैश संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन मिस्टर थीरल फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविंग
फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रोबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अर्धवृष्टि की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डोनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनीसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविन फिंचर, पटकथा की है जेम्स फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा, राशि एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर, ओनिंग डुबल मेशी, ब्रेनी जैक प्रकाश, सैली चैनी, जैक ग्रेनी, मार्ग रिफॉल, रॉबर्ट डोनी जूनियर, एंथनी एडवर डर्सी ब्राउन, कॉन्सनी इलियास कोटिनियाश, डोनी लोगो, जॉनी केरल लिच, डेमर्ग मूल रानी, क्लो सेवनिंग, छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित, एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि, प्रोड्यूसर कंपनी फर्नीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित, पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका, बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल, रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैनी फ्रांसिको खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने, सैन्य कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे क्षुब्ध सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेली जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्म मास्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी गति की हत्या के जश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एक को प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें धीमी गति की हत्या के दशियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और इन धूम में सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था, और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक इष्टिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी अवार्ड शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में
मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के बेलिजो में एक प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिए फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एक पत्र प्राप्त होते हैं जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है। अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थिरल फिल्म है जिसका निर्देशन डेविंग फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रॉबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अनवेस्टिक की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डॉनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनीसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविंग फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा राशि एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर ओनिंग डुबल मेशी ब्रेनी जैक प्रकाश सैली चैनी जैक ग्रेनी मार्ग रिफॉल रॉबर्ट डोनी जूनियर एंथनी एडवर्ड डर्सी ब्राउन कॉन्सनी इलियास कोटिनियाश डोनी लोगो जॉनी केरल लिच डैमर्ग मूल रानी क्लो सेवनिंग छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि प्रोड्यूसर कंपनी फेनीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 197 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 4 और 65 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैनी फ्रांसिको खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने सैन कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खुब्द सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है।
फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेली जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्मस्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें धीमी गति की हत्या के जश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एको प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पैंड फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंड और पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और धूम सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था, और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक दृष्टिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी एवडर शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के बेलिजो में एक प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एक पत्र प्राप्त होते हैं, जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं, जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो, जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है, जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 1 2007 की अमेरिकन मिस्टर थीरल फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविंग फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रोबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अद्वेष्टिक की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डोनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनीसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविंग फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित
रॉबर्ट क्रेशी द्वारा रासी एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर ओनिंग डुबल मेशी ब्रेनी जैक प्रकाश सैनी चैनी जैक ग्रेनी मार्ग रिफॉल रॉबर्ट डोनी जूनियर एंथनी एडवर डर्सी ब्राउन कॉन्सनी इलियास कोटिनियाश डोनी लोगो जॉनी केरल लिच डेमर्ग मूल रानी क्लो सेवनिंग छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि प्रोड्यूसर कंपनी फर्नीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित पैनर मिर्चर उत्तर अमेरिका बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 197 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया पुलिस को पत्र खूनने सैन कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खुब्द सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेडी जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्म मास्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया जिसमें थीमी गति की हत्या के दृश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे जो एक को प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और इन धूम में सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक स्टिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी अवॉर्ड शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के पेलिजो में एक प्राइमल लैन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी प्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एक पत्र प्राप्त होते हैं जो खुद को राशि चक्र कहते हैं जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कष्ट रॉबर्ट
ग्रेसिमो जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है। अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थिरल फिल्म है जिसका निर्देशन डेविंग फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रॉबर्ट ग्रिस्थिम राशि चक्र और राशि अर्थवेस्टिक की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डोनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनेसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविंग फिंचर, पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा, राशि एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर, ओनिंग डुबल मेशी, ब्रेनी जैक प्रकाश, सैली चैनी, जैक ग्रेनी, मार्ग रिफॉल, रॉबर्ट डोनी जूनियर, एंथनी एडवर्डर्सी ब्राउन, कॉन्सनी इलियास, कोटिनियाश डोनी लोगो, जॉनी केरल, लिच डैमर्ग, मूल रानी क्लो सेवनिंग, छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित, एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि, प्रोड्यूसर कंपनी फर्नीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित, पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका, बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल, रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैनी फ्रांसिको खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने, सैन्य कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे क्षुब्ध सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेली जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्मस्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी गति की हत्या के जश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एको प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और
वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पैंड फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थानी अमेरिकन और इन धूम में सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक इष्टिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी अवार्ड शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के पेलिजो में एक प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एक पत्र प्राप्त होते हैं, जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशने लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। 2007 की अमेरिकन मिस्टर थीरल फिल्म है, जिसका निर्देशन डेविंग फिंचर जेनस अमेरिकन वेटिवन की पटकथा से किया है, जो रॉबर्ट ग्रेस्थिम राशि चक्र और राशि अद्वैष्टिक की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डॉनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनेसी डॉनी लग, जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मिरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविंग फिंचर पटकथा की है जेमस फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा राशि एनमोर्ड द्वारा उत्पादक माइकल मेडिवर ओनिंग डुबल मेशी ब्रेनी जैक प्रकाश सैली चैनी जैक ग्रेनी मार्ग रिफॉल रॉबर्ट डॉनी जूनियर एंथनी एडवर्ड डर्सी ब्राउन कॉन्सनी इलियास कोटिनियाश डॉनी लोगो जॉनी केरल लिच डैमर्ग मूल रानी क्लो सेवनिंग छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित एक्शन बाल संगीत दिया है डेविक राशि प्रोड्यूसर कंपनी फर्नीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल
रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने, सैन कपड़े और अखबारों को भेजने गई, सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खुब्द सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेडी जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीत गए। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्म मास्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी गति की हत्या के दृश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एक को प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और इन धूम सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था, और इनके लिखने, निर्देशन, अभिनय और ऐतिहासिक स्टिगत के लिए राष्ट्रीय के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी एवडर शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के पेलिजो में एक प्राइमल लेन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचता है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एलिक पत्र प्राप्त होते हैं, जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं, जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो, जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से ही लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब तक अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको राशि मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2007 की अमेरिकन मिस्टर
थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन डेविड फिंचर जेनस अमेरिकन वेटरन की पटकथा से किया है, जो रॉबर्ट ग्रिस्थिम राशि चक्र और राशि अर्थवेष्टि की गैर फिक्शन किताबों पर आधारित है, जो क्रम 1986 और 2002 में प्रकाश हुई थी। फिल्म में जैक ग्रेनियल, मार्क रिफोर और रॉबर्ट डोनी जेनन के साथ एंथनी एडिवम ब्राउन, कॉफी एलन, कैस्टिनीसी डोनी, लग जॉनी ग्रेली, लिच कॉली सेवन, फिल्म पैक्र हल है और डोमी मरोनी सहायक भूमिकाओं में हैं। निर्देशित डेविड फिंचर, पटकथा की है जेम्स फिंचर पर आधारित रॉबर्ट ग्रेसी द्वारा, राशि एनमोर्ड द्वारा, उत्पादक माइकल मेडिवर, ओनिंग डुबल मेशी, ब्रेनी जैक प्रकाश, सैली चैनी, जैक ग्रेनी, मार्ग रिफॉल, रॉबर्ट डोनी जूनियर, एंथनी एडवर्ड डर्सी ब्राउन, कॉन्सनी इलियास, कोटिनियाश डोनी लोगो, जॉनी केरल, लिच डेमर्ग, मूल रानी क्लो सेवनिंग, छायांकन हैरिस सेवरिंगडस द्वारा संपादित, एक्शन बाल, संगीत दिया है डेविक राशि, प्रोड्यूसर कंपनी फर्नीचर पिक्चर्स द्वारा वितरित, पैनर मिर्चल उत्तर अमेरिका, बॉनर प्रोड्यूसर पिक्चर इंटरनेशनल, रिलीज करने की तिथि 28 फरवरी 2007, 2 मार्च 2007 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 197 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट 4 और रह गई हैं 65 और 85। यह फिल्म राशि चक्र हथेरी के लिए तलाशी की कहानी बताती है। एक सरेली खिलाड़ी जिसने 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में सैनी फ्रांसिको खाड़ी क्षेत्र को आतंकित किया, पुलिस को पत्र खूनने, सैन्य कपड़े और अखबारों को भेजने गए सिफर के साथ तानी मारा। यह माला संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे क्षुब्ध सिफर के साथ ताना मार यह मामाल संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे खूंखार अनुशीलन अपराधों में से एक है। फिंचर बेडीवट और निर्माता ब्रेली जे फिशन ने राशि चक्र हथियारों में अपनी स्वयं की जांच और संशोधन करने में 18 महीने बीते। फिंचर ने डीजल थॉमस वाइपर फिल्मस्टर कैमर को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी जीत 18 महीने बीते। फिंचर ने डिजिलर थॉमस बाइपर फिल्म सेमेस्टर क्रम को ज़्यादातर फिल्म की तस्वीर लगाने के लिए नियोजित किया, जिसमें थीमी गति की हत्या के दृश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमर हाई स्प्रोनी फिल्म कैमरे थे, जो एको प्राउडर पिक्चर्स इन थॉमस अमेरिकन और वाइनर पिक्चर्स द्वारा 2 मार्च 2007 पिक्चर्स फिल्म की तस्वीर लाने के लिए नियोजित किए, जिसमें धीमी गति की हत्या के दृश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारिवारिक हाई स्पेंडी फिल्म कमरे थे, जो एक पदवारी प्रेमेंडोर पिक्चर्स इन थॉनी अमेरिकन और धूमे सुखा दियो 2007 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रिलीज किया गया था, और इनके लिखने निर्देशन अभिनय और ऐतिहासिक स्थितिगत के लिए प्रशंसक के साथ इसे ज़्यादातर सकारात्मक समीक्षा मिली। फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था।
इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्शन एक्रोली या थीरल फिल्म के लिए स्टर्नी एवडर शामिल है। इसने 65 मिलियन के उत्पादन बजट पर दुनिया भर में मिलियनों से अधिक की कमाई की। राशि चक्र को 21वीं शताब्दी के 12वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में चुना गया था। 4 जुलाई 1967 को कैफियर के बेलिजो में एक प्राइमल लैन में एक अज्ञात व्यक्ति ने डेलिया फ्रेनी और माइकल मैगोल पर एक हेडगन से हमला किया। केवल माइकल बचा था है कि एक महीने बाद सैनी फ्राइमर क्रेनिक को हथियारे द्वारा लिखे गए एक पत्र प्राप्त होते हैं जो खुद को राशि चक्र कहते हैं, जो एक दशनीय लोगों को मानने की धमकी देते हैं जब तक कि उसकी पहचान वाले कोड संदेश को प्रकाशित नहीं किया जाता। राजनीतिक कर्स्टन रोबोट ग्रेसिमो जो सही ढंग से अनुमान लगाते हैं कि उनकी पहचान संदेश में नहीं है, अपराध रिपोर्ट पाली एब्रिया संपादक द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है और हिरासत के बारे में प्रारंभिक वितरण से बाहर रखा जाता है जब अखबार उन पत्रों को प्रकाशित करता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।